लाला जी चाय। भैया मुनीम क्यों नहीं आया हाले तक? वो बाहर का माहौल खराब है ना, तो शायद कहीं रुक गए होंगे। आप मुझे बताइए ना क्या करना है। ना जे तू मुनीम वाले काम कर सकता तो उसकी तनख्वाह मैं तेरे को ना देता। हिसाब किताब देखना आता तेरे को? वह अफगानिस्तान से सूखे मेवे और मसाले की बोरियां आई हैं, उनकी गिनती करके खाते में चढ़ाना है उनको। मैं देख लूंगा साहब, मुझे बताइए क्या करना है। जा तू। लाला जी आप इजाजत दें तो एक दिन के लिए मैं बन जाऊं आपका मुनीम। अखबार में मेवे मसालों के बारे में लेख नहीं लिखना है, हिसाब किताब की बात हो रही है। मैं भी हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ लाला जी, जिसकी अच्छी खासी जानकारी है मुझे। आपकी जो बोरियां अफगानिस्तान से आई हैं, उसका लेखा जोखा दर्ज करके 2 घंटे में बयान कर दूंगा आपको। बस एक मौका तो दीजिए। अच्छा, मेरा मुनीम तो मेरे लिए पान भी बनाता है, तुमसे ये काम हो सकना है? जी, पान। जी, पता भी है तुम्हें पान के बारे में। पान सदियों से हमारे हिंदुस्तान की शान रहा है। पान हमारे खान पान और सभ्यता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में पान की एक खास जगह है। मेहमान नवाजी में भी इसको अहमियत दी गई है। पता क्या तुम्हें पान के बारे में? देख क्या रहे हो मुझे इस तरह? अगर मैं गलत हूं तो मेरे लिए मुनीम की तरह पान बना के दिखाओ। रानी चुप चुप के क्या दिखा रही थी, क्या बता रही थी? सबके सामने बताना कि कैसे बनाते हैं पान। बेईमानी के अलावा कुछ और भी आता है आपको रणधीर साहब?
किस तरह धोखा देना है, किस तरह झूठ मूठ से दिल को जीतना है। अगर आप चाहें तो इस पे 8-10 किताबें लिख सकते हैं। अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे मैनू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.